नमस्कार दोस्तों, आपका विमला देवी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको गंगा दशहरा का महत्व। चलिए जानते हैं गंगा दशहरा के बारे में। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा भगीरथ द्वारा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान दान तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। यह दिन संसार का मुख माना जाता है, इसलिए गंगा के जल में स्नान करके दुग्ध पतासे जल रोली नारियल धूप दीप आदि से पूजन करके दान देना चाहिए। इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह जल वर्ष भर रखने पर भी सड़ता नहीं है। कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नामक दो रानियां थी। केसनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक अश्व छोड़ा। यज्ञ को भंग करने हेतु अश्व को चुराकर इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के अश्व को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। अश्व को खोजते हुए वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के अश्व को वहां बांधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई। उनके नेत्रों से क्रोधाग्नि निकली, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों को भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। उसने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि अपने भाइयों की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, किंतु इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने अश्व सहित यज्ञ मंडप में पहुँचकर राजा सागर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का तप किया, किंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। यह तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का उन्होंने वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शंकर से अनुग्रह किया जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी की जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिल सका। भगीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निदान करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने गंगा को पुनः जांघ से निकाल दिया। तब से
गंगा जहन्नु पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है, पापों का शमन करती है। इसी कारण गंगा की महिमा सर्वत्र गाई जाती है।